हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हैं या कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसे प्रोवाइड करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके का पाथ ट्रेस करेगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है IIT जेम फिजिक्स, गेट फिजिक्स और CSR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया या फिर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो दो तरीके के पाथ जो है वो ट्रेस कर सकता है। एक हमारे पास है स्ट्रेट पाथ और दूसरा होगा हमारे पास पैराबोलिक पाथ। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो करे या पैराबोलिक पाथ, इस लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो है कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये जो आपको फिगर शो हो रहा है दीज आर दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और इन पर आपने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो ये चार्ज होने लगेंगे। अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ है तो हमारे पास जो डाउन प्लेट है दैट वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब किसी चार्ज पार्टिकल को आपने लेना है और उसको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले केस नंबर वन डिस्कस करते हैं जहां पर ये पार्टिकल फॉलो करेगा स्ट्रेट पाथ को। ठीक है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें। दिस वाज द फर्स्ट केस। देखो, अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट है एंड दिस वाज द नेगेटिव प्लेट। जैसा इस फिगर में शो हो रहा है सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब आपने एक चार्ज पार्टिकल लिया और यहां पर तीन केस बन सकते हैं। या तो इस चार्ज पार्टिकल को आपने यहां पर सिंपली प्लेस किया हुआ है या फिर आपने इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इस चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन केस यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम चलें इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। ग्रेविटी जो है वो मेरे पास में कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं इस पॉइंट पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा दैट वाज क्यू इनटू ई, ये होगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है मेरे पास में, डायरेक्शन इज देन द माइनस वाई, दैट मीन्स माइनस जे कैप डायरेक्शन। करेक्ट है, देन ड्यू टू दस फोर्स ये हमारे पास क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हमारे पास नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा। अंडर अप्लायंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसलिए ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। करेक्ट है, तो पहला कंडीशन आप लिख लें जिस टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस द एंगल थीटा इज जीरो डिग्री। एंगल थीटा मींस द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग मूव करेगा। ओके, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमारे पास पाथ कैसा ट्रेस होगा, स्ट्रेट पाथ। करेक्ट है, अगर आपने मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिस टाइम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया तो ये थोड़ी दूर तक तो जाएगा क्योंकि आपने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, लेकिन इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन फिर ये जो फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, तो इस फोर्स की वजह से ये वापिस से अपना पाथ ट्रेस करेगा एंड देन इसके बाद ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेट पाथ को अचीव कर लेगा। तो दो कंडीशन मुझे मिलती है जहां पर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, व्हेन द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो डिग्री एंड 180 डिग्री। ऑब्वियसली अगर इनके अलावा मेरे पास कोई एंगल्स होंगे तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास में पाथ विल बी पैराबोलिक। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं पैराबोलिक पाथ पर। तो हम केस नंबर टू अज्यूम करते हैं। केस नंबर टू,
in which we discuss about the path of charged particle as parabolic. Okay, so parabolic path. So same situation हम लोग consider करेंगे. यहां पर positive plate है. This was the positive plate. And this was the negative plate. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव. मान करके चलते हैं कोई चार्ज पार्टिकल आपने लिया, इनिशियल वेलोसिटी यू आपने यहां पर प्रोवाइड कर दिया इसको, ठीक है. ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से जो है आपने प्रोजेक्ट कर दिया. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? माइनस वाई डायरेक्शन. सिंपल है. अच्छा, अभी एक काम करते हैं. यहां पर जो पाथ ये फॉलो करेगा दैट वॉज एक्चुअली पैराबोलिक, मतलब इस टाइप से जाएगा. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपने जो इसको प्रोजेक्ट किया है ना, वो किसी कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको प्रोवाइड किया. इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें कांस्टेंट है, इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन. अलोंग एक्स डायरेक्शन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, ठीक है. अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू uxt प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट है. तो यहां पर मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू ux का मतलब क्या हो गया मेरे पास में? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन, बिल्कुल आपने प्रोवाइड किया हुआ है इसको, कितना है u के इक्वल, तो यहां लिखेंगे u इंटू टी प्लस में हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन जीरो, क्योंकि आपने तो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी दिया था, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल, ठीक है. एंड देन टी स्क्वायर, तो मेरे पास यहां से आ रहा है t का वैल्यू x अपॉन में u, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अलोंग द y डायरेक्शन. अलोंग y डायरेक्शन, सो y डायरेक्शन की अगर हम बात करें यहां पे, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब इसमें बताओ एक बार, क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में दिया था? नहीं, तो यू वाई का वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस में हाफ. क्या एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है? बिल्कुल है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है हमारे पास. आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन कि हमारे पास में F जो लगेगा फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू q into e एंड दिस फोर्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन एज मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ. आप ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, एक चीज और है, अगर आप यहां पर ग्रेविटी भी कंसिडर कर रहे हैं तो फिर इसे आपको QE प्लस mg लिखना चाहिए, QE प्लस mg, बिकॉज mg भी हमारे पास डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, सो mg भी लिखा जा सकता है. ओके, तो अभी हम लोग ग्रेविटी अगर इग्नोर कर देते हैं तो QE इज इक्वल टू ma आ गया, सो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में लगेगा q into e अपॉन में m, तो ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, सो QE अपॉन में m एंड देन t स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं यूज करूं, इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एंड देन t का वैल्यू हम रखेंगे तो x अपॉन u, सो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो गया. आप देख सकते हैं यहां पे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पैराबोला, ठीक है. पैराबोला पाथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना न्यूमेरिकल सेक्शन, तो वो इस फॉर्मूले पर बन सकते हैं, ठीक है ना. तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया y का वैल्यू हाफ, ठीक है, and then q into e by m and x square by u square. इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन बन सकते हैं. हो सकता है आपको एक चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड कर दे और उसमें आपको प्रोवाइड करे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इतना है इसका, चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दे, चार्ज का मास दे दे, है ना. अगर ये भी नहीं देता है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का e by m रेशो आपको याद होना चाहिए. फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर दे. कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय ये देता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना इनके बीच जो पोटेंशियल डेवलप करवा रखा है एक्सटर्नली, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देगा और दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन भी दे सकता है. तो फिर आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए? द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वी अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये फॉर्मूला अडॉप्ट करके फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Then, इसके बाद जो है आपको ये कह सकता है कि x डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल इतना जाता है तो बताइए y डायरेक्शन में वो कितना मूवमेंट होगा उसका, ठीक है. या फिर अगर ऐसा भी नहीं देगा तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि बताइए जैसे x का वैल्यू t by u है ना,
ओके तो आपसे टाइम पूछ सकता है कि बताइए हमारे पास 15 सेकंड्स के अंदर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई का वैल्यू निकालना है जब टाइम हमारे पास कितना हो 15 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा था चार्ज पार्टिकल का। तो इस टाइप से एक जो है काफी अच्छा टाइप का न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये था मेरे पास में चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरीके के पाथ मैंने आपको बताया, वन इज स्प्रेड, ये कंडीशन है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैराबोलिक पाथ एट एनी एंगल्स बन सकता है एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगर चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास पाथ किस टाइप से दिखेगा। ओके अगर आपको क्लास से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते हैं, आपकी तैयारी के दौरान काम आएंगे। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।